बड़ा स्पाइसी खाना खाते हैं शाह जी आप। जमीनों से आई थी मिर्चें, दोस्तों और रिश्तेदारों को भिजवानी थी। मैंने कहा चलो टेस्टी हो जाए। तीखी? और तीखी है शाह जी। मुफ्त का माल तीखा ही होता है, बर्दाश्त करो। मुझे शायद चुटाओ जरा। शुक्रिया। ये क्या है शाह साहब? शायद है। और इसका करना क्या है ये मांझा बताएगा। शाह साहब मुझे अब इजाजत है। जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ, आराम करो। बस आज की रात सोना नहीं। जो हुक्म सरकार। एक बात याद रखना डोगर साहब, खाने में कितनी भी मिर्चें हो बख्तावर बर्दाश्त कर लेता है, पर आंख में अगर जरा सी भी जाना तो अपनी भी बात बर्दाश्त से बाहर निकल जाती है। इजाजत है सरकार। खुश रहे। माफ करना सरकार, ये तो मुश्ताक का आदमी नहीं था। सरकारी आदमी, सरकारी बंदे को रिटायरमेंट से पहले दोगुनी रकम मिल जाए तो सरकारी नहीं रहता। तो मुश्ताक किस खेत की मूली है? जी सरकार। वो तुझे दूसरी नहीं नजर आ रही, आ जा। ओ सरकार, मेरा पुत्र अभी तक घर नहीं पहुंचा जी। क्या मतलब मेरा घर नहीं पहुंचा है? सर कभी वो घर से इतनी देर तक बाहर नहीं रहा जी, यही परेशानी है जी। जवान जहान है, कहीं बैठा होगा, दोस्तों के साथ आ जाएगा। चल जा, जाकर आराम कर, मुंह उठा के फिरते रहते आधी रात को। ओ वजीब, उसका फोन भी बंद है ना जी, अल्लाह खैर करे। तो फोन बंद है तो क्या हो गया? फोन बंद है, जवान जहान है, दोस्तों में बैठा होगा, कहीं वीडियो शीडियो लगा के देख रहे होंगे, बैटरी खत्म हो गई। आ जाएगा, चल जाकर आराम कर। हमारा घर तो कहीं के आधी रात को भी ड्यूटियां करते रहते हैं, चल जा। और सरकार उसकी माँ बड़ी परेशान है जी, अकलौता पुत्र है जी उसका वो। मुंशी मुंशी मुंशी, और तुम्हें पता है कि मलकों का तो चूहा भी शेर होता है, तो किसकी जरूरत है जो मलकों के शेर को ऊपर हाथ डाले। चल जाके सो, चल जा, और जा ना, आराम कर जाके, पागल ना हो तुम। हेलो भाई, ठहर जो, किधर जा रहे हो? हम भी तो पड़े हैं राव में, बताओ मसला क्या है? बेटी अगवा हो गई है मेरी। बुजुर्गो आए, परेशान ना हो, इस तरफ मरर साहब का कमरा, जाएं और अपनी रपट करवाएं। नहीं नहीं, मुझे एसएचओ साहब से मिलना है। एसएचओ साहब से मिलना है? इस तरफ एसएचओ साहब का कमरा। आओ बेटा आओ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। एसएचओ साहब से मिलना है। वो तो आराम कर रहे हैं। आराम कर? ये पर्ची उनको दें। ठीक है, उम्मीद है उनकी आंख खुल जाएगी। चलो बैठे आप, मैं बुला के लाता हूँ। आओ बेटा आ जाओ। या अल्लाह खैर। हौसला रखो, हौसला रखो, अल्लाह बेहतर करेगा। अरे यार, तूने मेरी किधर नींद खराब कर दी है। और शायद अली को कहता वो मैटर देख लेता। सर उन्होंने पर्ची दी है। पर्ची दी है? किसने पर्ची दी है यार? चेक करे ना। पकड़ो ये। सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। यार अजीब लोग हो, बता भी दे दे वो खातून साथ हैं। जाओ इनके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो। वालेकुम सलाम। बैठे 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 बैठे। बहुत माजर अजीब बुजुर्गो, क्या हुआ? रिपोर्ट लिखवाए ना, क्या मसला है? तुमने कहा था कि नासिर के साथ गए 4 घंटे पहले। हाँ बेटा, बेटा तुम्हें उसका घर पता है? प्लीज जरा पता करो बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बताओ। जनाब हम सफेदपोश लोग हैं, हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, आप हमारी रिपोर्ट लिखें जी। और शायद अली इधर आओ यार, रिपोर्ट दर्ज करो यार। बैठो बैठो बैठो। किसी पर कोई शक है? शक नहीं, यकीन है। नाम लिखवाओ उन सब के जिन पर आपको यकीन है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने आपकी बहन को अगवा किया। नासिर वल्द इदरीस और खिजर हयात वल्द हयात मोहम्मद। और सामने आने पर पहचान लोगी ना आप उनको? आपको वल्दे तो लिखवा दिया है, पहचान भी लूंगी। और ये बात तो ठीक है, ये भी पता होगा कि वो कौन है और कहाँ है। और बुजुर्गो और देखो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, और खुलकर बताएं, और कानून से बड़ा कोई नहीं होता जी। नासिर का तो स्नोकर क्लब है जी, और खिजरयात उसका दोस्त है। और उनके वालिद क्या करते हैं? नासिर के वालिद का तो पता नहीं है, लेकिन खिजरयात का वालिद अमान मलूक का मुंशी है। ओए शायद अली, और इनके साइन अंगूठे ले लो जरा, और नंबर भी ले लेना इनका। इधर करें जी साइन। जी मैं कर देता हूँ। नंबर भी लिख दीजिएगा जी। जी कोई कॉल शॉल आएगी तो उठा लीजिएगा जी। जी अब बुजुर्गो बात सुनो मेरी, आज आप रात को जाकर सोएंगे नहीं, अब मुलजम की शिनाख्त के लिए आपको बुलाया जा सकता है। एसएचओ साहब हम जाग रहे हैं, हमें नींद कहाँ आएगी? और ठीक है ठीक है, आपका मसला हल हो जाएगा, आप परेशानी ना करें। बड़ी मेहरबानी जी, आओ बेटा, अल्लाह बेहतर करे। उठो बेटा, अल्लाह खैर करे। आ जाओ बेटा। कौन ही अल्लाह खैर करेगा? बस आपने ख्याल रखना जनाब है, मैटर सॉल्व हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। बेटी मैं हूं ना, मैं हूं, ठीक है? ओके अल्लाह खैर करेगा। ख्याल करो यार। और किधर है वो शहजाद अली? किधर गया है? मुझे तो कोई पंगा लगता है जनाब। और शहजाद अली एक बात तो बता। जी सर। दरबारों के अंदर रखे गल्लों को जब मजावर खोलते होंगे तो सबसे पहले उनके कौन से नोटों पर नजर पड़ती होगी? सर बड़े बड़े नोटों पर। और वहां बड़े नोट देने वालों की भी मुरादें पूरी नहीं होती, और लोग पुलिस को ऐसे ही बदनाम करते हैं कि ये लोग काम नहीं करते। सर समझ गया। और देख ना शायद हम हैं बड़े नोट देने वालों की, और मुरादें भी तो पूरी होती हैं। वाह मीना वाह, क्या बात है मीना तेरी, बड़ा दिल से सुनना चाहिए आज तू। शाहजी ऐसी महफिल हो तो किस काफिर का छोड़ के जाने को दिल करेगा। वाकई में शाहजी बड़ा मजा आ गया। ओया ले किधर वाले, तो शाम का आवाज होया जे, मेरे ये जो खास मेहमान है उनके लिए तो और खास इंतजाम है।
हम जानते हैं बख्तावर भाई, आप हमें इस तरह कहाँ भेजेंगे? मीना, तू हमारे लिए आई है ना, ये रात फिर नहीं आनी, ये बातें तो चलती रहेंगी। आप रंग में भंग मत डाले राजा साहब। मीना ये गट ले, चल। लगा है म्यूजिक। सलाम अलैकुम लोग साहब। सलाम बैठ के कर रहे हैं या खड़े होके? लोग साहब बैठ के सलाम कर रहा हूँ आपको। मजे हैं भाई तुम्हारे, शहर में क्या हो रहा है तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शहर में सब ठीक है मलोक साहब, अगर कुछ हुआ होता तो सबसे पहले आपके खादम को खबर होती। बिल से बाहर निकलेगा तू तो पता चलेगा ना कि बाहर शहर में क्या हो रहा है। क्या हुआ सरकार? रात 3 घंटे मेन रोड बंद थी, कहां मर गया था डोगर? और रात को जीरे मलंग के लोगों ने रोड ब्लॉक किया था सरकार। उनको क्या तकलीफ पहुंची है पूछो उनसे। और रात को खिजर हयात के खिलाफ लड़की के अगवा की रिपोर्ट दर्ज हुई है। क्या बकवास कर रहा है तू, किसे रिपोर्ट दर्ज कराई है? सरकार रात को मैं आपको और आपके पीए को फोन करता रहा, लेकिन आप दोनों के नंबर बंद जा रहे थे, वो ऐसी रपटें होती रहती हैं। बकवास बंद कर और जो पूछा है उसका जवाब दे। सरकार मलंगों के ढेरे के साथ मदैयों का घर है, और रात को बता रहे थे कि नासर वल अदरीस और खिजर आयात वल मोहम्मद आयात उन्होंने उनकी बेटी को अगवा की है। दफा हो जा और मलंगों को समझा दे परसों मैं वापस आ रहा हूँ, सीधा शहर के बीच चौक में लटकाऊंगा इनको। जी सरकार। घंटा घर के बाहर लटका दिया जाएगा। रशीद भाई क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हो गया रशीद भाई, कहीं जबान दांतों के दरमियान तो नहीं आ गई? नहीं। रशीद भाई कुछ बोले ना, आखिर आप चुप क्यों हैं? अच्छा अच्छा रशीद भाई आप मेरे आगे हाथ क्यों जोड़े, मैं कोई जुबैदा थोड़ी हूँ, मेरा मतलब है कि मैं कोई भाभी थोड़ी हूँ। रशीद भाई अगर आपके पेट में दर्द है ना तो आप ये जुशांदा ना पिए। हाँ मेरे पास ना एक गोली है, आप ये गोली ले, इससे आपका पेट दर्द चला जाएगा। अच्छा अच्छा रशीद भाई मेरी बात तो सुने बैठे यार। यार रशीद भाई क्या हो गया आपको यार, वैसे कमाल है यार, आज तो आप रशीद तरला नहीं लग रहे बल्कि रशीद गुंडा लग रहे। अच्छा रशीद भाई बात सुने, मजाक कर रहा हूं यार। जी जी के बच्चे कहाँ हो तुम यार? तुम कहाँ हो? मैं रजिया को गुंडों से बचाने आई थी, पर ना रजिया मिल रही है और ना गुंडे। कहाँ हो यार तुम? एकेडमी में हो? हाँ भाई एकेडमी में हूँ, तुम कहाँ हो? यार सॉरी मैं नहीं आ सकता आज, मैं जरा फंस गया हूँ किसी काम से। व्हाट, जब तुमने नहीं आना था फिर मुझे क्यों बुलाया तुमने? जरा पीछे तो देखो, तुम्हारी रजिया तुम्हारे पीछे खड़ी है, पीछे तो देखो। यार ये क्या बदतमीजी है यार। कुछ कहने से पहले ये फूल कबूल कर लो, ज्यादा पैसे थे नहीं तो यहीं से तोड़ लिया। थैंक यू। वो खड़े हैं यार,
अबे यार इनकी यहाँ रामलीला चल रही है, कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं यार। Don't teach your father how to love. हो गया? नहीं, जब होगा तब खुर्रम नाम रखेंगे। चल यार चले। चले। चलो। इतना वेट करवाया? क्लास के लिए वेट करवा रहे घंटे से। मिस्सी जनाब, कैसे ख्याल आ गया आपको मेरे साथ ये वक्त गुजारने का, वो भी फूल ही लेकर आ गए ना? ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि तुम बहुत मसरूफ रहने लगे हो रौनक, अपनी कहानी में, अपने दोस्तों में, अपने ख्यालों में, मेरे से तो बिल्कुल गायब हो गए हो। हाँ मसरूफ तो मैं होता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं तुम्हें खुश नसीब फील करूँ। मैंने सोचा तुम्हारे लिए टाइम निकाल के तुम हो ना मेरी जिंदगी में, इससे बड़ी मेरी कोई खुश नसीबी नहीं है। एक बात कहूँ? क्या? मैंने तुम जैसा हसीन नहीं देखा और तुम सा हसीन कोई हो भी नहीं सकता। जानती हूँ। पता है रौनक, मैं हमेशा से एक बात सोचती हूँ कि जो शायर होते हैं ये अपने महबूब की तारीफ करने में जमीन और आसमान को एक कैसे कर देते हैं। ये एहसास सिर्फ मोहब्बत के पास है। जब एक आशिक की नजर अपने महबूब से मिलती है ना, कायनात में कुछ नजर नहीं आता। इनफैक्ट कायनात की हर चीज में अपना महबूब नजर आता है। तो फिर तुम्हें अपने महबूब के अलावा सारी कायनात कैसे नजर आती है? मेरी आंखों में देख के बताओ, तुम्हें तुम्हारे अलावा कोई नजर आता? जान निकाल दूंगी कोई और हुआ भी तो। कोई और हो भी नहीं सकता। Oh, by the way, nice flowers. कैसे लगे? बहुत खूबसूरत। कांटे हैं ध्यान से। Thank you so much. हाँ तो नूर, ये रही आपकी स्क्रिप्ट। ठीक है, हम इसकी तैयारी कब से शुरू कर रहे हैं? जल्दी शुरू करेंगे इसकी तैयारी हम, तब तक आप एक काम करें, इसको घोल के पी जाएं। ठीक है, और ये स्टार्ट कब से हो रहा है? मैं काम करता हूँ ना, आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर लेता हूँ, आपको सारी की सारी अपडेट वहीं मिल जाएगी। अच्छा एक और चीज़ नूर, मुझे आपके मेजरमेंट्स चाहिए होंगे ताकि मैं आपका कॉस्ट्यूम जो है ना बनवा लूँ। उसका कोई मसला नहीं, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। यार एक काम करते हैं, लेट मी शो यू अराउंड, सबसे मिलवाता हूँ। दिस वे प्लीज। डीसीओ साहब खुद पहुंचे हैं मलंगू से बात करने के लिए। और मलंग मान नहीं रहे थे जी, बड़ी तोड़ फोड़ की है उन्होंने। फिर? और फिर क्या जी? टीमें तश्कील दी है एसपी साहब की सरबराई में, और एसपी साहब को रेड का ऑर्डर उधर ही मौके पे किया है। और मलंगों के सामने ही एसपी साहब को कह रहे थे कि मुझे मुलजम आज के आज ही सलाखों के पीछे चाहिए। मुश्ताक की सुना, फोन छोड़ नहीं आया उसका? बड़ी लंबी उम्र है जी उसकी, अभी उसी की कॉल आ रही है। चल बात करके अपडेट कर।
खिजर किधर है एसएचओ साहब? वो तो पता नहीं जी कहाँ छुप कर बैठा है। छुप के बैठा है या तुमने छुपा रखा है उसे? आओ मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूं। अरे ये बैठ गए सबके सब। गाइस ये नूर है, नूर ये रशीद तरला, मोहसिन, वलीद और ये मेरी मैं मतलब है राबिया। हाय गाइस कैसे हैं आप लोग? हम ठीक हैं, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। इन्हें क्या हुआ है, बोल क्यों नहीं रहे? पसंद नहीं आई इनको मैं क्या? हाँ हाँ एक्चुअली वो कह रहे हैं कि तुम्हें पसंद नहीं आई। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। ओह आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता कि आप बोल नहीं सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत बोलते हैं। तो फिर आज क्यों नहीं बोल रहे? एक्चुअली मैं बताती हूँ क्या हुआ। वो इन तुम्हें बता दूंगा, बता दे। देखे जी रात आपकी भाभी ने ना फरमाइश डाल दी कि उसे गोलगप्पे खाने। बस रात ठंडे ठंडे में मैं उसे लेके गोलगप्पे खाने चला गया। रशीद भाई आपकी तबीयत खराब है, बाद में बता देना। तुम जाओ ना। मैं बताऊंगा, आपको कोई तकलीफ है? नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं। फिर क्या हुआ रशीद भाई? लो फिर क्या, गोलगप्पे खाते खाते उसे अपने बचपन की याद आ गई। फिर कहने लगी, रशीद साहब आपने तो आज मेरे बचपन की याद दिला दी। वो कैसे? नहीं मैंने भी यही पूछा भाई, वो कैसे? कहने लगी, रशीद साहब स्कूल में मेरी एक दोस्त थी नादरा, रोज स्कूल से वापसी में हम रेड़ी पे गोलगप्पे खाने जाते थे और नादरा खट्टा पानी पीने की शर्त लगाती थी और हमेशा शर्त आपकी भाभी जीतती थी, ऐसा उसका कहना। अच्छा तो आपकी बेगम पढ़ी लिखी थी? नहीं वो ना नादरा को स्कूल छोड़ने जाया करती थी। राबिया कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम? कुछ कह रहे थे आप? वो कसम देकर बोली, रशीद साहब आप मेरे साथ शर्त लगाएं, देखते हैं कौन ज्यादा खट्टा पानी पीता। बस जी मैंने बोला इससे अच्छा और क्या चांस लग सकता है, कभी हार ना मानने वाली को आज हराने का मौका मिला है, खट्टा पानी पी के हरा देता हूँ। फिर क्या हुआ, कौन जीता? प्याले पे प्याला, प्याले पे प्याला, प्याले पे प्याला, प्याले पे दसवां दसवां प्याला बराबर, एक उसके हाथ में एक मेरे हाथ में, घूट पे घूट, घटाघट घटाघट घटाघट, गोलगप्पे वाला सामने उछल के आया और कहने लगा बासुमाचा। इसका मतलब मुकाबला बराबरी का था? काजना आपका भाई हार के सीधा घर को पहुंचा। रशीद भाई कैसे, आप दोनों ने तो 10-10 प्याले पिए थे। अब पिए तो 10-10 ही थे, पर आपकी भाभी का कहना था कि दसवें प्याले का आखिरी घूट उसने मुझसे पहले लगाया था। बस हमेशा की तरह आपकी भाभी जीत गई, रशीद तरला हार गई। भैया पेंटिंग तूने बनाई है? जी जी रशीद भाई मैंने बनाई। जिंदगी में कुछ भी करी बादशाह, आज के बाद पेंटिंग ना करी खुदा की कसम। ओ बख्तावर पुत्र सरप्राइज सरप्राइज। सरप्राइज बताता हूँ बताता हूँ। द्रीना पुत्र तुम ऐसे करो कि ये मिठाई का टोकरा लेके जाओ और किसी प्लेट में मिठाई निकाल के लाओ मेरे पुत्र बख्तावर के लिए, जाओ। चाचा जी बताओ तो सही, ऐसा कौन सा सरप्राइज है कि मिठाई विठाई लेकर आए हो? तू सोच रहा होगा कि मिश्ताह की गड्डी पे चंदा भी लगा नहीं है, चाचा जी मिठाइयां लेके आ गए हैं, यही सोच रहे ना? चंदा नहीं लगा अभी। वो लग जाएगा, चंदे की क्या बात है, वो असल में ना डंडे का सहज ले गए, चंदा जो है सिर रहा है। तू परेशान ना हो अपने भरा के लिए, आहो देख लेना चाचा ये मिठाई कहीं फेर से जाया ना हो जाए। लो आ गई, और मेरी दी है ना, देख कैसे टैम के ऊपर मिठाई लेके आई है, जल्दी वक्तावर का मुंह उठा खा खा।
खावांगे जी मिठाई, बिल्कुल खावांगे। ठंडा लग जाए एक बारी, उसके बाद मिठाई लाएगा बख्तावर शाह डाले में पार के। ठीक हो गया? बनता है, बिल्कुल बनता है। तेरा मिठाई लेके आना बनता है, फिर तू और तेरा चाचा दोनों ही चंडा जो है ना डंडे पे चढ़ा के ना तो छत पे जाके लगाएंगे। अरे नूर, आज इतनी सुबह सुबह? हाँ यार, एकेडमी गई थी आज। तो कैसा रहा दिन? ठीक था। कोई जिब्रान नाम का लड़का था, उसने इंट्रोड्यूस कराया था सबसे। और किस किस से मिली? मोहसिन, वलीद, तरला और कोई राबिया नाम की लड़की थी। क्या हुआ? किन सोचों में पड़ गए हो? नहीं कुछ नहीं, मैं फ्रेश होता हूँ, फिर हम कहीं बाहर चलते हैं, शॉपिंग भी करते हैं। ओके। पिछली चार पीढ़ियों से हम सियासत में। एसपी साहब, जानता हूं मलिक साहब, कभी किसी पुलिस वाले की यह हिम्मत नहीं हुई कि हमारी हवेली में पैर भी रख सके। ये इसलिए नहीं है कि हम कोई बदमाश है, पुलिस हमसे डरती है। जुर्म तो दूर की बात, मलकों ने कभी मुजरिम का भी साथ नहीं दिया। पुलिस की किताबें यही बता रही है मलिक साहब कि कोई रपड़ तक दर्ज नहीं है मलकों के खिलाफ। रिपोर्ट तो दर्ज हो गई एसपी साहब, अब क्या पता झूठी दर्ज हुई हो। वो तो आपके मुंशी के बेटे के खिलाफ दर्ज हुई है, और आप कैसे कह सकते हैं कि झूठी दर्ज हुई? रिपोर्ट किसी ने लिखवाई और आपके थाने में दर्ज हुई। लिखवाने वाले ने लिखवा दी और लिखने वाले ने लिख दी, मगर टीम के सरबरा ने पढ़ी ही नहीं। क्या मतलब आपका? पढ़ी होती आपने तो कार्रवाई रुकवाने के लिए लाहौर से फोन ना करना पड़ता आपको। आप कहना क्या चाहते हैं मलिक साहब? मुदई जब मुलजमों के नामों के साथ उनकी वल्दियत भी लिखवाई तो जुर्म कम और वाकफियत ज्यादा होती है एसपी साहब। मैं फिर इजाजत लेता हूँ। मैं अभी देख लेता हूँ। मलिक साहब, पुलिस का इदारा इंसाफ में आसानी के लिए बंद है। बस आप इतनी आसानी कर दें, खिजर वल्द, मोहम्मद हयात और उस दूसरे लड़के का क्या नाम था, अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी होती तो नासिर वल्द इदरीस का नाम आपको शायद याद रहता। एसपी साहब, दिन चढ़ने से पहले दोनों हवेली में पहुंच जाने चाहिए, बस आपसे इतनी सी गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। जीरा मुलंग खरा सिक्का निकला सरकार, दिल खुश कर दिया उसे। कह रहा था सरकार हुक्म दे लड़की के टुकड़े टुकड़े करके नहर में फेंक दूंगा। मुझे तो लगता है कि खोटा सिक्का निकला है वो, हाथ पैर फूल गए हैं उसके। बताओ उसको, मतलब बख्तावर शेर है कि शेर और चूहे में बड़ा फर्क होता है। शेर का जब टेड पर हवा हो ना तो चूहे की तरह रोटी छोटी खा के नई रोटी के लिए कुड़की में अपनी गर्दन नहीं फंसाता।
उड़क्की समझता है तू? जी सरकार। गुड। तेरी खैर। छोटे सरकार। जी सरकार। एसपी साहब खिजर को लेके घर आ रहे हैं, चाय पानी का बंदोबस्त कर दो, ठीक है? जी सरकार, मैं अभी करवाता जी। एक बात कहूं? मैंने तुम जैसा हसीन नहीं देखा, और तुम हसीन कोई हो भी नहीं सकता। जब एक आशिक की नजर अपने महबूब से मिलती है ना, फिर कायनात में कुछ नजर नहीं आता। इनफैक्ट कायनात की हर चीज में अपना महबूब नजर आता है। तो फिर तुम्हें अपने महबूब के अलावा सारी कायनात कैसी नजर आती है? मेरी आंखों में देख के बताओ, तुम्हें तुम्हारे अलावा कोई नजर आता है? खिजर भाई बहुत अच्छे हैं। नासिर भाई और मैं जब जब डरते थे, वो हमें समझाते थे कि हमसे कोई काम निकलवाया जा रहा है, क्योंकि अगर इन्होंने हमें मारना होता तो कब का मार चुके होते। अच्छा पुत्र, मुझे ये बता कि तू उन दोनों के नाम और वल्दियत कैसे जानती थी? हैं, बोलना। मैं और मेरी बहन मलंगों के डेरे से न्याज लेके वापस आ रहे थे। मैं आगे थी और ये मेरे पीछे। जब मुझे चीखने की आवाज आई, मैंने मुड़ के देखा तो दो लोग इसको उठा के भाग रहे थे। सामने आने पर पहचान लोगी ना कि वो कौन थे? ऐसे जो साहब, ये उनको कैसे पहचानेंगे? उन दो लड़कों ने अपनी शक्लें कपड़े के अंदर ढांक रखे थे। जी, कपड़ा पहना हुआ था उन लोगों ने। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।